हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ऐप टू रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी अपने बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को स्टार्ट करना चाहते हैं, बट वहाँ पे स्टार्ट हो ही नहीं रहा? क्या आप जानना चाहते हैं कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की स्टार्टिंग प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अमरजीत। इसे देखने के लिए चलते अपने फोन पे। सो हेलो गाइस, यहाँ पे हम अपने बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया पे है और हमें यहाँ पे अपने स्टार्टिंग प्रॉब्लम को ठीक करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की स्टार्टिंग प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल और आसान तरीका है। तो सबसे पहले तो आप सभी को सिंपली यहाँ पे करना क्या है, देन आप सभी को सिंपली अपने फेसबुक पे क्लिक करना है। फेसबुक पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरह का नोटिस आ चुका है और उसके बाद जो है यहाँ पे मेरा गेम स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हमें यहाँ पे इसी प्रॉब्लम को ठीक करना है। तो सबसे पहले तो आप सभी को सिंपली से ओके करना है। ओके करने के बाद आप सभी को सिंपली से कट करना है। कट करने के बाद आप सभी को सिंपली अपने फोन में सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप सभी को थोड़ा सा नीचे आना है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, तो आप सभी को सिंपली पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सभी को सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस सिम से अपना डाटा चलाते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आइडिया से चलाता हूँ, तो आइडिया पे क्लिक करते हैं। आइडिया पे क्लिक करने के बाद आप सभी को सिंपली एक्सेस पॉइंट नेम पे क्लिक करना है, देन रिसेट पे क्लिक करना है। रिसेट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि रिसेट डिफॉल्ट एपीएन सेटिंग यहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है। देन उसके बाद आप सभी को सिंपली से बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया ऐप्स का, तो चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं। मैनेज ऐप पे क्लिक करते हैं। मैनेज ऐप पे क्लिक करने के बाद आप सभी को सिंपली बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया पे क्लिक करना है, देन स्टोरेज पे क्लिक करना है। उसके बाद आप सभी को सिंपली क्लियर डाटा पे क्लिक करना है, क्लियर कैश पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप सभी को सिंपली इतना कर देना है। इतना करने के बाद आप सभी को सिंपली इसे कट कर देना है। कट करने के बाद आप सभी को सिंपली अपने फोन में बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सभी को सिंपली फेसबुक पे क्लिक करना है। फेसबुक पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोडिंग हो रहा है और फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोडिंग भी हो चुका है। देन उसके बाद आप सभी को सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा गेम स्टार्ट हो चुका है। आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अपने गेम में इंटर कर चुका हूँ। तो इसी तरह से आप भी अपने बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में स्टार्टिंग प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।